नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर रखी होगी, मुद्दा तो है ऐसा। लास्ट वीडियो में अपन पढ़ रहे थे अपना चैप्टर प्लांट प्रोपगेशन, पादप परिवर्तन, और पादप परिवर्तन में अपन ने अब तक जो क्लियर किया था वो किया था पादप परिवर्तन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्लांट प्रोपगेशन एंड मेथड्स क्लासिफिकेशन में सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोपगेशन, लैंगिक और अलैंगिक जनन के लाभ हानियां उदाहरण। उसके बाद डिवीजन में पढ़ रहे थे अपन। सबसे पहली विधि अपन ने कलम विधि कटिंग मेथड पढ़ा, कटिंग मेथड के बाद अपन ने लेयरिंग मेथड पढ़ा, कलम के बाद दाब कलम पढ़ा, और अब अपन पढ़ने वाले हैं उपरोपण व कलिकायन, ग्राफ्टिंग व बडिंग। उपरोपण व कलिकायन या बडिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। देखो सबसे पहले परिभाषा में से पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको दो बातें पढ़नी होंगी, एक रूट स्टॉक और दूसरा साइन। इसको हिंदी में मूल वृंत के नाम से जानते हैं और इसको हिंदी में शांकुर के नाम से जानते हैं। जैसे मूल वृंत हमेशा हल्की वैरायटी का होता है, निम्न किस्म का होता है, शांकुर हमेशा उच्च किस्म का होता है। मूल वृंत वह भाग होता है पौधे का जिसमें जड़ तंत्र बनता है, शांकुर वह भाग होता है एक ग्राफ्टेड या कलमी पौधे का जिसके ऊपर फल बनते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं ये कहूं कि एक पौधे का नीचे वाला भाग आम की दशहरी किस्म का है, इसके ऊपर अपन उन्नत किस्म की शंकुर शाखा जोड़ देते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि इसके ऊपर अपन ने शंकुर शाखा जोड़ दी आम की आम्रपाली किस्म, एक दशहरी प्रजाति होगी, एक आम्रपाली प्रजाति होगी। अब जिसका जड़तंत्र है वो कहलाएगा और रूट स्टॉक, जिसका जिस पर पुष्प और फल बनने वाले हैं वो कहलाएगा साइन, शंकुशाखा। अब क्वेश्चन क्या बनता है, यदि दशहरी मूल ग्रंथ के ऊपर आम्रपाली की शंकुर शाखा लगा दी जाए तो फल किस किस्म के बनेंगे? फल बनेंगे आम्रपाली के। अब देखिए परिभाषा, उपरोपण की परिभाषा और कलिकायन की परिभाषा। मूल ग्रंथ के ऊपर शंकुर शाखा के रूप में यदि किसी छाल का उपयोग किया जाता है, मूल ग्रंथ के ऊपर शंकुर शाखा के रूप में यदि किसी छाल का उपयोग किया जाता है, यदि ग्राफ का उपयोग किया जा रहा है या छाल वाले भाग का उपयोग किया जा रहा है तो उसको अपन जानेंगे उपरोपण या ग्राफ्टिंग के नाम से। मूल ग्रंथ के ऊपर छाल के रूप में शंकुर शाखा का उपयोग करना उपरोपण कहलाता है। क्लियर। दूसरा, यदि मूल ग्रंथ के ऊपर शंकुर शाखा के रूप में यदि किसी कलिका का चयन किया जाता है या बड का चयन किया जाता है उस विधि को कहा जाएगा कलिकायन या बडिंग।
उसको कहा जाएगा क्लिकाइन या बडिंग। क्लिकाइन या बडिंग का दूसरा नाम चश्मा लगाना भी है। क्लिकाइन या बडिंग का दूसरा नाम चश्मा लगाना भी है। दोबारा एक बार आप परिभाषा सुन लीजिए, पहले मूल रूपरोपण की परिभाषा, फिर क्लिकाइन की परिभाषा। मूलोरंत के ऊपर सांकूर शाखा के रूप में किसी छाल वाली शाखा का उपयोग किया जाता है, उसको उपरोपण या ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। मूलवृंत के ऊपर किसी सांकूर शाखा का, ऐसी सांकूर शाखा का उपयोग किया जाता है जो कलिका है या बड है, उसको कलिकाइन कहते हैं। कलिकाइन और उपरोपण की अलग अलग विधियां अपने चैप्टर में चलेंगी। पहले यदि अपन ये पढ़ लें, मूलवृंत और सांकूर शाखा दोनों ही इंसेक्ट एंड डिजीज फ्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ किसी प्रकार से टेडी मेडी कटिफिटी भी नहीं होनी चाहिए और स्वस्थ होनी चाहिए। रूट स्टॉक हमेशा लो वेराइटी का होता है और साइन ब्रांच हमेशा इम्प्रूव्ड वेराइटी की होती है, अच्छी किस्म की होती है। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उपरोपण और उपरोपण की कुछ विधियां। उपरोपण की परिभाषा शायद आप सभी को समझ में आ गई होगी। उपरोपण है वो दो प्रकार का होता है, एक उपरोप बंधन और एक उपरोपण। यानी एक अटैच ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग और एक डीअटैच ग्राफ्टिंग। एक अटैच ग्राफ्टिंग और दूसरा डीअटैच ग्राफ्टिंग। अटैच ग्राफ्टिंग का मतलब है कि सांकूर शाखा और मूल वृंत दोनों को अपने पैतृक पौधे से तब तक अलग नहीं करते हैं जब तक दोनों अच्छी तरह से जुड़ न जाएं। जबकि उपरोपण में सांकूर शाखा को अपने पैतृक पौधे से अलग करके मूलवृंत के ऊपर चिपकाया जाता है, यह तो कहलाता है उपरोपण। और उपरोप बंधन या अटैच ग्राफ्टिंग का मतलब है सांकूर शाखा को उसके पैतृक पौधे से तब तक अलग नहीं किया जाता जब तक वो नए मूलवृंत या नए रूट स्टॉक के ऊपर अच्छी तरह से चिपक न जाए। कैसे? इसकी सबसे पहली विधि है इनार्चिंग। या इसको कहेंगे अपन वेंटकलम विधि, इनार्चिंग या वेंटकलम विधि। मान लीजिए दो पौधे अपन नींबू की दो नींबू के पौधे हैं और नींबू में एक तो है कागजी नींबू और एक है बारहमासी। ये दोनों नींबू की प्रजातियां हैं बच्चों, एक कागजी नींबू की और एक बारहमासी। दोनों पौधे गमले के अंदर, ये हो गया अपना कागजी नींबू। दूसरा नींबू की प्रजाति बारहमासी नींबू,
अब अपन दोनों ऐसी शाखाओं, दो ऐसे कागजी नींबू की और बारहमासी नींबू की, दोनों की ही ऐसी शाखाओं का चयन करेंगे जो समान उम्र की हो और समान मोटाई की हो। जैसे मान लीजिए कागजी नींबू की शाखा ए है, समान बारहमासी नींबू की शाखा बी के है, दोनों की मोटाई, दोनों की उम्र एक समान है, दोनों ही इंसेक्ट और डिजीज फ्री है, इसके साथ साथ किसी प्रकार का कोई कट कुछ भी नहीं क्राफ्ट के ऊपर, एकदम से स्वस्थ शाखाएं हैं। अब मान लीजिए कि बारहमासी नींबू है, इसके ऊपर अपने यहां खेत में उत्पादन कम हो गया, तो इसको अपन कहेंगे उत्पादन कम हो गया इसका मतलब ये लो वेराइटी में, निम्न प्रजाति नाम दे देंगे इसको। या मान लीजिए नींबू की कोई देसी किस्म है और इसके अपन फल चाहते हैं तो ये इसको इंप्रूव्ड वेराइटी या उन्नत प्रजाति का नाम देंगे। अब अपन ये चाहते हैं कि अपने बारहमासी नींबू पर पौधा तो वही रहे परंतु फल है वो नींबू कागजी नींबू के लगे, क्लियर बात। अब अपन इन दोनों शाखाओं के ऊपर कट लगाएंगे, इसी बात को अपन थोड़ा सा जूम में करके यदि पढ़ेंगे, कैसे अपन ने कट लगाया कागजी नींबू की शाखा, दो पॉइंट पांच से 4.0 सेंटीमीटर का कट लगा दिया। ऐसा ही कट अपन लगाएंगे सेम आकार बारहमासी नींबू को, इन दोनों शाखाओं के ऊपर कट लगाती है अपन, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है। अब इन शाखाओं को एक दूसरे के पास लेकर के आएंगे इस प्रकार से, जो जहां जहां कट लगा हुआ है दोनों को पास लेकर के आएंगे, ये कट वाला भाग और क्राफ्टिंग टेप से बांध देंगे। देखिए अपन ने अलग नहीं किया है, ना तो ए को अलग किया अपने पेरेंट प्लांट से, ना अपने बी को अलग किया अपने पेरेंट प्लांट से, इसलिए इसको अटैच ग्राफ्टिंग या बेंटलम भी नाम दिया गया है कि पैतृक पौधे को, शांकुर को और मूल व्रत को अपने दोनों ही कोई पैतृक पौधे से अलग नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही दोनों अच्छी तरह जुड़ने लगेंगे तो जिसके अपन को फ्रूट नहीं लेने हैं, जिसे अपन को बारहमासी के नहीं लेने, कागजी के लेने हैं, पौधा अपन को बारहमासी का ही चाहिए, तो अपन क्या करेंगे जिसके फ्रूट नहीं लेने हैं उसको तो नीचे से काट देंगे, सॉरी ऊपर से काट देंगे, और जिसको लेने हैं उसको अपन नीचे से काट देंगे। जैसे मान लीजिए तना अपन को चाहिए इस प्रकार से काट करके, और ऊपर का जो भाग है वो तो अपन रख लेंगे शंकुर का, और नीचे का रख लेंगे मूल व्रंत का। इस हिसाब से एक नई प्रजाति तैयार हो जाएगी, एक नया फल वृक्ष बनने लगेंगे, तो उन्नत किस्म तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह समझ में आया आपको, धन्यवाद।